फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हिंदुस्तान पेपर का ये न्यूज़ है, हिंदुस्तान पेपर के आर्टिकल में इसको छापा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, चिंता, देश में चौथी लहर की आहट। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक महीने बाद यहाँ पे 24 घंटे में रिकॉर्ड 2183 नए मामले सामने आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग थंबनेल पर देख करके घबराने वाली बात आप लोगों को नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ये इसमें जो है, अगर भगवान ना करे कि इससे जो है किसी प्रकार कोई भी जो है समस्या उत्पन्न हो, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा काम है न्यूज़ देना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 18 इससे पहले पिछले 18 मार्च को 2528 कोरोना संक्रमित मिले हुए थे। तो यानी कि धीरे धीरे जो है यहाँ पे फोर्थ जो है चौथा जो है कहर जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है, और यहाँ पे धीरे धीरे जो है इसका मामला जो है सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स इससे यहाँ पे बता दूँगी, आप लोगों को पता ही है अगर कोरोना का महामारी जैसे ही फैलता है तो बहुत से कामों पर, चाहे वो किसी प्रकार कोई भी काम हो उसमें बाधा पहुँचता है, चाहे वो ये जॉब वैकेंसी हो या किसी प्रकार कोई भी हो। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी प्रकार कोई भी अब की बार जो है यहाँ पे परेशानी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स सरकार जो है बहुत ही अब की बार अलर्ट हो चुकी है और इसके लिए वो व्यवस्था खुद करेगी। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि पिछली बार तो यहाँ पर कोरोना को लेकर के बहुत से BRM जीएसएस में अफवाह निकला था कि कोरोना के कारण जो है ज्वाइनिंग नहीं हुआ, ज्वाइनिंग नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स अब की बार देखने वाली बात यह है कि ये कोरोना आता है या नहीं आता है, और आता है तो ज्वाइनिंग होती है कि नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, आप लोग जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।